बीजेपी के शासन से तंग आकर हरियाणा का किसान एक बार फिर से अपने राज यानी हुड्डा राज को याद कर रहा है। हुड्डा राज को किसान राज कहा जाता था क्योंकि हुड्डा शासन के दौरान हरियाणा के किसानों के लिए जो बेहतरीन नीतियां बनी, ऐसी ना तो उससे पहले बनी और ना ही आज तक बन पाई हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किसान फिर से हुड्डा राज को किस लिए याद कर रहा है, क्योंकि हुड्डा राज में किसानों की हो रही थी बल्ले बल्ले। किसानों के लिए हुड्डा शासन में हर योजना थी जबरदस्त। हुड्डा शासन में गेहूं के दाम 2 गुना से ज्यादा बढ़ाए गए। हुड्डा शासन में MSP से ज्यादा के दाम पर खरीदा जाता था धान। हुड्डा शासन में गन्ने के दाम में भी 3 गुना तक बढ़ोतरी की गई। हुड्डा शासन में कर्ज की अदायगी ना करने पर किसान की जमीन नीलामी पर लगाई थी रोक। कोई बैंक नहीं कर सकता था किसान की जमीन नीलाम। किसानों के 2136 करोड़ के कर्ज और 830 करोड़ का ब्याज माफ किया गया। किसानों के 1600 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ किए गए। हुड्डा शासन में ही किसान आयोग का हुआ था गठन। हुड्डा शासन में किसान क्रेडिट कार्ड पर स्टाम्प ड्यूटी को किया गया था खत्म। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत फसलों के सबसे ज्यादा बीमे करवाए गए। गेहूं उत्पादन में हरियाणा को 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। हुड्डा शासन में गन्नौर में बागवानी की सबसे बड़ी मार्केट बनाई गई। खेतीहार मजदूर या किसान की मौत पर 5 लाख रुपए तक दी जाती थी आर्थिक मदद। खेत में काम करने के दौरान निशक्त होने पर 2.5 लाख रुपए की दी जाती थी मदद। 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से मुफ्त दी जाती थी बिजली। ट्यूबवेल और फव्वारा सिंचाई उपकरणों पर 100% तक दी जाती थी सब्सिडी। 1 टाइम सेटलमेंट पर एक साथ कर्जा वापसी पर 50% ब्याज था माफ। हुड्डा शासन के दौरान देश में सबसे ज्यादा दिया जाता था फसलों का मुआवजा। मुख्यमंत्री ग्रामीण दुधारू पशु सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई। किसान की पूरी जमीन की बजाय सिर्फ 0.5 एकड़ पर ट्रैक्टर लोन की शुरुआत। हरियाणा की भूमि अधिग्रहण पॉलिसी की विश्व बैंक ने भी की थी तारीफ। विकास परियोजना के लिए हुड्डा शासन में किसान खुद अपनी जमीन अधिग्रहण का लेता था फैसला। हुड्डा शासन में लैंड पुलिंग में सबसे अग्रणी प्रदेश था हरियाणा। किसान को जमीन मुआवजे के साथ 33 साल तक रॉयल्टी देने का था प्रावधान। HSIIDC में जमीन अधिग्रहण पर मुआवजे के साथ 1200 गज का दिया जाता था प्लॉट। हुड्डा के लिए जमीन अधिग्रहण पर भी मुआवजे के साथ मिलता था प्लॉट। 1000 गज का रिहायशी या 100 गज का व्यावसायिक प्लॉट दिया जाता था। हुड्डा सरकार की जमीन अधिग्रहण नीति इतनी जबरदस्त थी कि बीजेपी सपने में भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। बीजेपी ने कई मौकों पर यह साफ भी कर दिया है, हुड्डा सरकार के हिसाब से बीजेपी ने किसानों को मुआवजा देने से ही इनकार कर दिया। किसानों की जमीन का उचित रेट देने की बजाय बीजेपी ने हुड्डा सरकार में चलाई गई प्रदेश की सबसे बड़ी भूजल संरक्षण योजना दादूपुर नलवी नहर को बंद कर दिया। साथ ही बावल में लॉजिस्टिक हब के लिए अधिग्रहित की गई 3600 एकड़ जमीन को ये कहकर किसानों को वापस लौटा दिया कि वे हुड्डा सरकार से ज्यादा मुआवजा किसानों को नहीं दे सकती। साफ है कि एक ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी भी विकास परियोजना के लिए किसानों को उनकी जमीन का ऊंचे दरों पर मुआवजा देते थे, दूसरी ओर हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं जो विकास परियोजनाओं के लिए किसानों को जमीन का 1 पैसा तक देने को तैयार नहीं। वे खुले मन से कहते हैं कि महंगे रेट में नहीं, किसान को अपनी जमीन सरकार को दान में देनी चाहिए। हल्ला बोल हरियाणा।